हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन 178। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी स्टैटिक जीके पार्ट टू के अंतर्गत मध्य प्रदेश का गठन। तो यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट अभी तक देखा नहीं है तो पहले उस पार्ट को देख ले, तभी ये पार्ट आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देखते हैं, हम मध्य प्रदेश अपने नाम के अनुरूप देश में मध्य में स्थित है। तो देश बोले तो इंडिया में, तो जैसे कि इंडिया देखें हम, तो इंडिया में क्या है, ये मध्य स्थान पर स्थित है। जैसे कि यहाँ देखें, ये है हमारा मध्य प्रदेश, तो मध्य में स्थित होने के कारण इसे क्या बोला गया है, मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के अलग होने से पहले क्या था, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था। तो यहाँ देखते हैं हम, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को यदि मिला लिया जाए तो ये राजस्थान से बड़ा होता है, पर अभी जो वर्तमान में इसकी रैंक है सेकेंड नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर पर किसका नंबर है, राजस्थान का, और सेकेंड नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश का अस्तित्व वर्ष 1947 से ही है, परंतु जो अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमाएं हैं, बोले तो 1947 से ये मध्य प्रदेश नाम से जाना जाता है, पर जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में, तो 1956 में इसको सही रूप से क्या किया गया था, जो रेखा इसकी खींची गई थी। अब 1956 के पूर्व क्या था, छत्तीसगढ़ और वर्तमान महाकौशल CPN बरार के हिस्से थे। अब CPN बरार से मतलब, जैसे कि यहाँ देखते हैं हम, जो हमारा राज्य था वो चार भागों में डिवाइड था। चार भाग कौन कौन से थे, एक था स्टेट वन, बोले तो स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और भोपाल स्टेट। अब स्टेट ए के अंतर्गत क्या आता था, तो स्टेट ए के अंतर्गत जो था सेंट्रल प्रोविंस और जो बरार था, छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड, ये सभी मिलाकर क्या बने थे, स्टेट ए। और स्टेट बी के अंतर्गत क्या था, पश्चिम की देसी रियासतों को मिलाकर स्टेट बी बनाया गया था। और स्टेट सी के अंतर्गत उत्तर की जो रियासतें थी उनको मिलाकर क्या बनाया गया था, स्टेट सी बनाया गया था। और भोपाल स्टेट जो है बिंदे, मतलब सी का पार्ट था ये, इसे बिंदे प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब इनकी यदि राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या थी इनकी, स्टेट ए की राजधानी थी नागपुर, स्टेट बी की राजधानी ग्वालियर इंदौर, स्टेट सी की राजधानी रीवा, और स्टेट जो भोपाल था उसकी राजधानी थी भोपाल। अब बात करते हैं कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 29 दिसंबर 1953 को, जो किसके अनुसार बना था, फजल अली की अध्यक्षता में बना था ये राज्य पुनर्गठन आयोग। अब इसकी अनुशंसा पे क्या हुआ था, 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ, ये जो कुछ रूल्स है उसके, इसके आधार पर देख लेते हैं हम। जैसे बुलढाणा, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चांदा को तत्कालीन मुंबई, बोले तो महाराष्ट्र में मिला लिया गया। और जो शेष पार्ट बचा उसका, वो कहाँ रहा हमारा, पार्ट ए का, वो मध्य प्रदेश में ही रहा। अब नेक्स्ट जैसे देखें हम, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर, सुनील टप्पा बोले तो जैसे मंदसौर है ये राजस्थान में रह गई, और बाकी जो शेष भाग है वो कहाँ मिला लिया गया, मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। नेक्स्ट बात करें जैसे कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला दिया गया, और पार्ट बी का जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था वो। अब पार्ट सी की बात करें तो विंध्य प्रदेश का जो संपूर्ण भाग है मध्य प्रदेश में मिलाया गया, और आखिरी में क्या हुआ, भोपाल को मध्य प्रदेश का हिस्सा बना लिया गया। अब देखते हैं तो ये क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को नया जो हमारा मध्य प्रदेश बना वो था 43 जिले और 8 संभाग से युक्त था, और उस समय उसका क्षेत्रफल क्या था, 443 और 446, जो अभी से बड़ा था। तो उस समय जो हमारा मध्य प्रदेश था, रैंक वन थी उसकी इंडिया में, मतलब फर्स्ट नंबर पे आता था क्षेत्रफल के मामले में, और अभी वर्तमान में वो सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को अलग कर दिए जाने के कारण वो छोटा हो गया। अब 26 जनवरी 1972 को क्या हुआ, 2 जिले बनाए गए, एक था भोपाल, एक राजनांदगांव। जो भोपाल था वो सीहोर से अलग करके बनाया गया, ये पहले सीहोर जिले की तहसील थी, और राजनांदगांव जो था दुर्ग जिले में शामिल था, दुर्ग से अलग करके राजनांदगांव बनाया गया और सीहोर से अलग करके भोपाल बनाया गया। तो इस प्रकार हमारे जो मध्य प्रदेश उसकी जिलों की संख्या कितनी होगी, 45 हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, नवीन मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या बना ली गई, भोपाल, और ये हमें पता है ये सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी पहले। अब उसके बाद हुआ है बीआर दुबे की अध्यक्षता में क्या हुआ, 25 मई 1998 को 10 जिले बनाए गए। तो इस प्रकार 10 जिले, और 1998 में एक और बार क्या हुआ, 10 जून को ये 6 जिले और बनाए गए। तो इस प्रकार हमारे जो मध्य प्रदेश उसके जिलों की संख्या हो गई 61। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 31 अक्टूबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। अब छत्तीसगढ़ अलग हुआ कैसे, 16 जिले के
के साथ वो अलग राज्य बना दिया गया। तो छत्तीसगढ़ नाम से अलग राज्य बना दिया गया 16 जिले के साथ। तो हमारे जो मध्य प्रदेश में थे वो 61 थे, और इसमें से 16 माइनस करें तो हमारे जो मध्य प्रदेश है उसमें बचे मात्र 45 जिले और 9 संभाग। और इसके पश्चात जो 15 अगस्त 2003 को क्या हुआ, बोस समिति की सिफारिश पर 3 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से? एक था बुरहानपुर जो खंडवा से अलग करके बनाया गया था, दूसरा था अनूपपुर जो शहडोल से अलग करके बनाया गया था, अशोकनगर था जो गुना से अलग करके बनाया गया था। इन 3 जिलों का निर्माण हुआ। इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या होगी 48। और 17 मई 2008 को एक जिला बनाया गया अलीराजपुर, और 24 मई 2008 में एक जिला बनाया गया सिंगरौली। अब 2 जिले ऐड हो गए। उसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 50। अब नेक्स्ट क्या हुआ, 16 अगस्त 2013 को एक और जिला बनाया गया आगर मालवा, जो शाजापुर से अलग करके बनाया गया था। अब इस प्रकार हमारे जो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई 51 और संभाग हो गए टोटल 10। अब जैसे ये देखें तो ये हमारा है अभी वर्तमान का मध्य प्रदेश है, जिसमें टोटल क्या है 51 डिस्ट्रिक्ट है। अब बात करते हैं कौन कौन से नए जिले बने हैं। तो जैसे कि जो जिला बना है शिवपुर, वो किस कब बना है 1998 में, किससे अलग होकर बना है, मुरैना से। अब शिवपुर कहाँ है आप देखिए, यहाँ पे ये है शिवपुर ये, और ये है मुरैना। तो ये दोनों पहले आपस में एक ही हुआ करते थे, और 98 में क्या हो गए, अलग अलग हो गए। नेक्स्ट जिले की बात करें तो ये उमरिया है, 98 में अलग हुआ है, किससे, शहडोल से। अब उमरिया कहाँ है देखिए आप, उमरिया ये है, ये किससे अलग हुआ है, ये शहडोल से। मतलब ये पहले एक ही हुआ करते थे और 1998 में ये अलग हो गए। अब नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो नीमच है, वो भी 98 में अलग हुआ, किससे, मंदसौर से। अब मंदसौर कहाँ है ये देखिए आप, ये मंदसौर है और ये नीमच है। तो यहाँ पे ये क्या हो गए, 1998 पे अलग हो गए। अब उसके बाद है नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हरदा, हरदा किससे हुआ अलग, होशंगाबाद से। आप होशंगाबाद देखते कहाँ है, ये है होशंगाबाद और ये है हरदा, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आपस में अलग कब हो गए, 1998 में। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, कटनी की। कटनी कब अलग हुआ है, 1998 में, ये किससे अलग हुआ है, जबलपुर से। तो जबलपुर की बात करते हैं, ये है जबलपुर और ये है कटनी, ये दोनों आपस में अलग कब हो गए, 1998 में। अब नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है कौन सा हमारा, ढिंडोरी। अब ढिंडोरी कब अलग हुआ है, 1998 में मंडला से अलग हुआ। अब मंडला कहाँ है, ये है मंडला और ये है ढिंडोरी, ये दोनों अलग हुआ है 1998 पे। अब नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है बड़वानी, ये 1996 में निमाड़ खरगोन से अलग हुआ है। अब खरगोन कहाँ है, ये है खरगोन और ये है बड़वानी। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, बुरहानपुर, ये 2003 में अलग हुआ है खंडवा से। अब ये है हमारा खंडवा और ये है बुरहानपुर। उसके बाद बात करते हैं किसकी, अशोकनगर की, ये भी 2003 में गुना से अलग हुआ है। अब अशोकनगर कहाँ है, अशोकनगर है, ये गुना है और अशोकनगर, ये दोनों अलग हुए हैं कब, 2003 में। और एक और डिस्ट्रिक्ट देखें हम कौन सा, अनूपपुर, तो अनूपपुर भी शहडोल से अलग हुआ है। तो अनूपपुर कहाँ है, ये है अनूपपुर, उसी के ऊपर देखिए ये शहडोल है, ये दोनों अलग हुए कब, 2003 में। अब 2008 में कौन सा जिला बना, एक अलीराजपुर बना, किससे, झाबुआ से अलग होकर। अब झाबुआ कहाँ है, ये झाबुआ है और ये अलीराजपुर है, ये दोनों अलग हुए कब, 2008 में। अब सिंगरौली एक और डिस्ट्रिक्ट है जो किससे अलग हुआ, सीधी से, ये 2008 में अलग हुआ है। तो सीधी कहाँ है, सिंगरौली कहाँ, देख लेते, ये सिंगरौली है और ये सीधी है। उसके बाद जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है कौन सा, आगर मालवा, ये 2003 में, सॉरी ये 2013 में अलग हुआ है, यहाँ मिस्टेक हुई है। तो ये 2013 में शाजापुर से अलग होकर नया डिस्ट्रिक्ट बना है जो 51वें नंबर का है। तो कहाँ देख लेते हैं हम, तो आगर मालवा जो है ये है और ये शाजापुर, इससे अलग होकर क्या बना है, ये 51वां जिला बना है। तो इस प्रकार हमने देखे जो राज्य है पुनर्गठन, मतलब जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, किस किस प्रकार से हुआ है, कैसे कैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट बने हैं, ये सभी चीज़ें हमने देखे हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम जल्दी अपलोड करेंगे, पर उसके लिए पहले आपको, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद आया है। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आता है, कुछ दिक्कतें आती है समझने में, तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिखें, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर दूर करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त हो सके। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो वीडियो आपकी लगातार आपको प्राप्त होते रहे। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो।
और यदि आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसे क्लिक करके आप आसानी से जुड़ सकते हैं। और स्क्रीन पर चार वीडियो की लिंक प्राप्त हो रही है, उन्हें क्लिक करके आप उन वीडियो को भी आसानी से देख सकते हैं। जय हिंद।